उत्तराखंड के रुड़की में मंगलोर कोतवाली पुलिस और सीआईयू की टीम ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यह फैक्ट्री मंगलोर कोतवाली के गोपालपुर के जंगल में सुनसान इलाके में चल रही थी। पुलिस ने 7 देसी तमंचे, बंदूक और हथियार बनाने के औजार जब्त किए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी वसीम और काला सामली के रहने वाले हैं, जिन पर पुलिस ने गैंगस्टर की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पुलिस को पिछले लंबे समय से इनकी तलाश थी। पुलिस अब उन लोगों की तलाश में जुट चुकी है जिन्होंने हथियार खरीदे थे। वहीं पुलिस को दोनों आरोपियों के एक और साथी की सरगर्मी से तलाश है। हथियार बनाने की एक छोटी सी इन्होंने फैक्ट्री बना रखी थी मंगलौर थाना क्षेत्र के गोपालगंज गाँव में। वहाँ पर ईंट के भट्ठे में ये दोनों लड़के काम करते थे, जिसे सीआईयू की टीम और मंगलौर थाना क्षेत्र की टीम ने गिरफ्तार किया। इनसे लगभग 7 हथियार और फैक्ट्री जो छोटी मोटी इनकी थी उसे बरामद किया गया है। ईंट के भट्ठों में काम करते थे और ये इन हथियारों को आसपास के क्षेत्रों में और कुछ उत्तर प्रदेश के जगहों पर भी इन्होंने बेचा है। जिनको इन्होंने बेचा है उनकी लिस्ट इनसे हमने बरामद कर ली है। उन्हें भी खोजबीन कर रहे हैं उनके भी, और उन्होंने गिरफ्तार करके न्यायालय समक्ष प्रस्तुत करेंगे। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से अली जैदी की रिपोर्ट।